केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट पहली से बारहवीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। इस समय हम मौजूद हैं मेंढर के हनुमान मंदिर में, जहां से अभी एक जो है एक सूचना जो है हमें कॉल आया था कि यहां पर कुछ बर्ड्स जो हैं वो डेड पाए गए हैं। जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर इस समय पूरे हिंदुस्तान में जो है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और लगभग इंडिया की 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बर्ड फ्लू जो है वो डिटेक्ट हुआ है। J&K की अभी रिपोर्ट्स जो है वो आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों ने कॉल किया था जिसके आधार पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदिर के ठीक बैक साइड में मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे आएंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये बर्ड्स जो हैं यहाँ पर जो फोन बिल्कुल डेड पाए गए हुए हैं। अगर देसी ज़ुबान में इस बर्ड को जो है वो बगला कहा जाता है। आपको बता दें कि ये बर्ड्स जो है बिल्कुल डेड पाए गए हैं, और लोगों ने जो है इमीडिएटली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट किया, और यहाँ पर डॉक्टर जो है और अपनी टीम के साथ वो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इरफान जी, इनसे पूरी पूछेंगे, पूरी बात करेंगे कि ताकि लोगों के बीच में पैनिक ना फैले, क्योंकि ये अफवाह जो है वो कहीं लोग इससे डर ना जाएं। हम इनसे पूरी बात करेंगे कि क्या वजह हो सकती है और किस वजह से इन्होंने यहाँ पे सैंपल भी कलेक्ट किए हैं कि किस वजह से जो है इन बर्ड्स की डेथ हुई है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले, और मैं यही चीज़ जानने की कोशिश करूँगा सबसे पहले कि ये बर्ड्स सर जो है वो डेड पाए गए, अभी यहाँ पर आए हैं, तो सर क्या कहें? हाँ, आजकल जैसे आपको पता है कि बर्ड फ्लू का पूरे इंडिया में एक माहौल बना हुआ है, जिसमें करीब दस स्टेट्स में जो है इसकी रिपोर्टिंग हुई है। J&K UT में ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से अब जैसे बात चली कि बर्ड फ्लू है, तो लोग भी थोड़े से अलर्ट हो गए। उस वजह से बर्ड्स की अगर पहले भी डेथ होती थी, आज भी डेथ हो रही है, लेकिन अब रिपोर्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। फिर भी जहाँ तक हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा है, तो उसमें कहीं अनयूजुअल डेथ हो रही है। उसमें हम एक इसका ये भी रूल आउट कर रहे हैं कि पिछले दिनों में सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी, कोल्ड की वजह से भी डेथ हो सकती है। फिर भी हमने एहतियातन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने पूरी प्रिपेयरनेस की हुई है, अगर कल कोई ऐसी रिपोर्ट होती है तो उसके एज़ पर गाइडलाइन उस पर काम किया जाएगा। अभी सर आपने यहाँ से सैंपल उठाया? हाँ, अभी हमने यहाँ पे जो बर्ड्स मिले उनमें से हमने एक डेड बर्ड का सैंपल लिया, एक लाइव भी था, उसको भी हमने सर लिया। ये बर्ड है कौन सा? ये हमने देखा कि सारे एक ही जो है, ये बर्ड जो है बाहर माइग्रेटरी बर्ड ही मान के चलो, इसको बगला बोला जाता है। यहाँ पे पानी में रहता है ज़्यादा, और काफ़ी दूर तक ये उड़ के जा सकता है। यहाँ पे मेंढर में ये काफ़ी मिलता है। अब हमने इसका एक सैंपल लिया, उस सैंपल को हम प्रॉपरली भेजेंगे। इसका जम्मू जाता है, पुंछ जाएगा, वहाँ से फिर जम्मू जाएगा, जम्मू से फिर ये जलंधर में जाता है, वहाँ पे जाके इसका जो टेस्ट होगा उसके बाद रिपोर्ट आएगी। तो उसके बाद जो भी होगा एज़ पर गाइडलाइन होगा। लोगों को जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, पैनिक होने वाली बात है, पैनिक नहीं होना है। ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड्स के बीच में जाता है, वो भी जहाँ पे काफ़ी क्लोज कंटेक्ट हो। ह्यूमन में बड़ा एक थिन सा चांस है इसमें ट्रांसमिट होने का, अगर उसमें भी पूरे प्रिकॉशन लिए जाएँ। जैसे प्रॉपर कुकिंग करके, अगर हम बर्ड्स को पोल्ट्री में चिकन का अगर हम प्रॉपर कुकिंग करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कम चांस है ट्रांसमिट होने के। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कुछ पैनिक होने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इरफान, जिन्होंने आपको साफ अर्फों में बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक मत होइए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे इन बर्ड्स को डेड देखा है, कहीं ना कहीं एक अफवाह जो है वो बात जो है चर्चा का एक विषय बन सकता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं इन बर्ड्स के जो डेड होने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट कर लिया है, और ये सैंपल भेजेंगे, और इसके बाद ही जब पुष्टि हो पाएगी कि इनका जो बर्ड्स है इनकी डेथ का कारण जो है वो क्या है। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो पैनिक मत होइएगा, आप लोग घबराइए मत। ये जो है अगर बर्ड फ्लू या कोई इस तरीके की अगर कोई रिपोर्ट आती है, जब रिपोर्ट आएगी तभी ही इसको फाइनली जो है उसकी पुष्टि की जाएगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट तायर अली काजमी, राही कपूर, मेंढर न्यूज डायरी, मेंढर। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, built in 15 acres of lush green area. The school is a pioneer of quality education and academic excellence. Hi, I'm Anzi of 11th standard. And I'm Shantanu of class 9. And we are both going to take you on a tour of KLM International School. The school has fully functional smart classes, music room and art gallery. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics lab, chemistry lab, bio lab, language lab, and
and a well-stocked library. Fully air-conditioned and well-furnished dorms are available separately for boys and girls. Hi, I'm Shruti. And I'm Nishant. We are here to take you on a tour of our junior wing, BPS. I'm Sanjin Lotus and I'm from Ladakh. Hi, I am Steffi and I'm from Germany. The school also offers you mess and door-to-door transport facilities. KLM International School follows the deep route of education, where we are providing the best facilities to our students. Cognitive behavior is the utmost demand of today's society, where we are focusing only to train our students according to the guidelines of the cognitive and other manners. In KLM International Pathankot School, we are focusing specially on slow learners.